नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं कोमल विजन। दोस्तों, आप लोगों ने देखा थंबनेल पे किसी भी इमेज पे या ऑब्जेक्ट पे लेंस इफेक्ट कैसे देते हैं, तो आइए आज हम लोग सीख लेते हैं लेंस इफेक्ट देना। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ में अपना इमेज इम्पोर्ट कर ले रहे हैं जिसपे इफेक्ट देना है। जैसे मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा था, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया इस तरह से। अब इस पर हमें इफ़ेक्ट देना है। आप लेंस इफेक्ट से इसको अलग अलग तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक रेक्टेंगल टूल ले लीजिए और इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए पूरा परफेक्ट। अभी देखिए मेरा परफेक्ट हो चुका है। अगर आप लोगों का परफेक्ट नहीं होता है तो आप लोग वीब में जाएंगे और स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन करके रखेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे टिक लगा हुआ है, अभी हम इसको अनटिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको परफेक्ट नहीं ले पाएंगे। इतना साइज है, इधर उधर हो जाता है तो इसके हिसाब से मिलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ऑन रखेंगे इस तरह से। तो हमने पहले इस पर रेक्टेंगल ले लिया है, अब इस पर हम लेंस इफेक्ट डालेंगे। तो आप यहाँ इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लेंस, इसका शॉर्टकट है Alt+F3। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको जिस तरह का इसमें बहुत ढेर सारे इफेक्ट दिए हुए हैं तो जो भी आपको देना है आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये देख लीजिए, ब्राइटन लेंस है, देख सकते हैं आप। आपका बैकग्राउंड में जो इमेज पड़ा हुआ है हटाने के बाद इस तरह से दिख रहा है और इस पर इस तरह से। तो आप इसको और भी दूसरा इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ और मैं इस पर दूसरा दे दूँगा कलर ऐड। आप अपने मन चाहे कलर ऐड कर सकते हैं इस पर। आप जो भी कलर देना चाहें आप उस कलर में इफेक्ट दे सकते हैं इस तरह से कुछ। और तीसरा है कलर लिमिट। आप इसको अपने मन चाहे कलर में दे करके आप अपने मन मुताबिक कलर जितना परसेंटेज ऐड करना है कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आगे हम देखेंगे कस्टम कलर मैप। आप इस पर दो कलर एक साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे एक मेरा ग्रीन हो गया तो मैं इसको इस तरह से येलो कर दे रहा हूँ कुछ, और दूसरा मैं करता हूँ ग्रीन। इस तरह से आप दो कलर यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के हैं तो आप लोग इसे देख करके यूज करना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।